आने जाने का राउंड ट्रिप कैसे जाया, ये घूम घूम के थक गया हूँ यार मैं, और टाइम 2 बजे। अच्छा ट्रिप लग गया है यार, अच्छी जगह पे आगा, देखो क्या बात है, घोड़े ही घोड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज का दिन पूरा शेड्यूल है यार, आज मुझे जाना है किसी जरूरी काम से, वो दिखाता हूँ आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं आज का दिन, तो आज का टारगेट कितना बनता है। तो जी स्टार्ट करते हैं जी आज का दिन। आज तो मुझे घर से ही बुकिंग मिल गई, घर से ही मुझे अपने गेस्टों को उठाना है, और आने जाने की ट्रिप है भाई, शारजा से पिक करना है और शारजा में ही ड्रॉप कर देना है। घंटे लगेंगे उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। ओके सुन लो, अभी टाइम हो गया 9:52, जितने भी घंटे लगेंगे ना आपके पॉकेट मनी से या जैसे भी काट लूंगा पैसे। अच्छा आज का जो मैंने काम बताया था ना आपको, तो काम इनका यही था जी, फैमिली मेरी आई हुई है, उनका फिंगरप्रिंट्स करवाने थे। फिंगरप्रिंट्स के लिए क्या था इनकी रिक्वायरमेंट, तो 12 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होने थे। बाकी 3 थे, 2 मेरी बेटी और मेरी वाइफ का, उनका फिंगरप्रिंट्स होना था, वो हो गया जी। तो अब मैं यहां से निकल रहा हूं, ये फ्री के कस्टमर को घर छोड़ने के लिए, ये फ्री के कस्टमर है मेरे आज, तो इनको घर छोड़ के तो काम उसके बाद में स्टार्ट करूंगा। अभी 10:50 हो गए, तो इनको छोड़ के आते हुए तकरीबन 1 घंटा मेरा और लग जाएगा, तो मेरा टाइम जो है वहां पे जाया हो जाना है। और ज़रा यार वहां पे ना कावा बड़ा जबरदस्त था, कावा मैंने पिया भाई, टका के 2 कप पिए छोटे छोटे से, बड़ा स्ट्रांग कावा बना हुआ था यार। ये जो जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के लिए आए थे ना, उस ऑफिस की बात कर रहा हूँ कि वहां के कावा बड़ा जबरदस्त था। इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स यार, इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स करवाने के बाद ना, तो मेरी भी अपनी दुकानदारी, मेरे 2 वीज़े मैंने अप्लाई करने थे, मैंने कहा इनके साथ ही इसी किराए में काम हो जाएगा, इनसे पैसे तो लेने ही हैं, तो उन्हीं पैसों में मैं अपने 2 वीज़े, 2 भाई हैं उनके लिए वीज़े अप्लाई करने थे। तो उसी के सिलसिले में यार मैं आ गया हूँ अपने आप काम से भी, कि ये वाला काम भी मैं साथ ही कर लेता हूँ, इनके वीज़े भी अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साथ ही था ऑफिस जहाँ से मैंने वीज़े अप्लाई करने थे। तो जी अब मैं आ गया हूँ उन साहब के लिए वीज़े अप्लाई करने के लिए, तो बस मुझे डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं और देके निकल जाना है, फिर इन लोगों को वापस घर छोड़ूंगा और उसके बाद से काम स्टार्ट करूंगा। अभी ना मैंने ये मुफ्त की सवारियों को छोड़ दी है, यहाँ घर पे इनको उतारा है, तो जो काम था वो खत्म हो गया। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से यार काम के लिए, अब 11:36 हो गया यार, 1.5 घंटा मेरा लग गया, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी था क्योंकि एमरेट्स आईडी इन लोगों की बननी थी, तो अब बन जाएंगी एमरेट्स आईडी। आ गया यार, जब से मैं घर से निकला हुआ हूँ ना, पहला मैसेज आया, ये घूम घूम के थक गया हूँ यार मैं, और टाइम 2:09 हो गए आज, तो यार ये पहले मैसेज ने रुला के रख दिया यार, इतनी देर के बाद 2-2.5 घंटे तो हो गए यार मुझे घूमते हुए, और पूरा घूम घूम के मैं यहाँ पे आया हूँ यार। तो फिर जाके मैसेज मिला, ये पहला मैसेज, सुबह से सिर्फ एक ही मैसेज मिला, वो भी अपोजिट साइड पे जा रहा था, 14 दिरहम ही आया, उसके एक्सेल का मैसेज था, तो रोड की अपोजिट साइड पे जा रहा था, ड्रॉप कर दिया भाई, अभी निकला हूँ यहाँ से, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा यार, लग जाएगी आज की दिहाड़ी भी। उबर का दूसरा ट्रिप जल्दी आ गया यार, 2:31 हुए हैं और उबर का जी दूसरा मैसेज मिल गया, दूसरा मैसेज है सुबह से लेके अभी तक का भाई, काम डाउन 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 डाउन। 39 दिरहम का ट्रिप हो गया यार ये वाला, टोटल हो गया जी 54 दिरहम का। कल करीम ने अच्छा काम दिया था और आज फिर उसका अभी तक कोई ट्रिप नहीं मिला यार, पता नहीं क्या चक्कर है यार ये। अल्लाह का शुक्र है यार, मैं पर ये करीम का भी मैसेज आ गया, 2 उबर के मैसेज पहले आए हुए थे और अभी ये तीसरा मैसेज आ गया, उबर का और करीम का एक ही मैसेज मिला यार, मतलब ये मिला के तो टोटल ट्रिप हो जाएंगे 4 ट्रिप। अब देखता हूँ यार ये गेस्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएंगे ये साहब, टोटल 4 ट्रिप हो गए यार उबर के, 8 पॉइंट हुए और 105 दिरहम हुए, और करीम का एक ही ट्रिप मिला हुआ है यार, यही काम है भाई, यही काम है, और टाइम देख लो 4:30 हो गए, और माशाल्लाह जी करीम बाबा का दूसरा ट्रिप, माशाल्लाह एक ट्रिप आया था करीम का और अभी दूसरा ट्रिप जी, और 5 ट्रिप हो गए उबर के, मतलब ये 7वां ट्रिप है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ट्रिप लग गया यार, अच्छी जगह पे आगा, देखो क्या बात है, घोड़े ही घोड़े। अल कसर होटल में मैंने छोड़ा यार इसको, और यहाँ से देखो भाई ये घोड़े देखो, घोड़े देखो यार, क्या जबरदस्त और पुरसकून जगह बनी हुई है, हा? कमाल की है ना, जबरदस्त। ये जो होटल है ना मेरे पीछे, अल कसर होटल है ये, और ये होटल भी पीएल लेमोजिन के पास है, बड़ा जबरदस्त होटल है पीएल के पास, मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त और कमाल के होटल है यार, इस कंपनी में अगर जाओगे ना तो सारी जिंदगी याद करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, पीएल लेमोजिन की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लेमोजिन। माशाल्लाह एक और ट्रिप आ गया यार ये उबर साहब का, और अभी टाइम हो गया यार 9:03, टाइम मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ से ना मैं हूँ 4 सीजन जुमेरा में,
इस होटल से अब घर की तरफ निकलूंगा, रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो घर की तरफ चलूंगा यार, क्योंकि यहाँ से निकलते निकलते दुबई से भी मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो टाइम ऑलमोस्ट वही हो जाना है मेरा 10 बजे तक का। आज ड्यूटी तो मैंने खैर लेट ही स्टार्ट की थी, पहले जो अपने पर्सनल कामों में बिजी था तो वहां से फारिग होके, तो फिर तो अब घर की तरफ चलता हूँ, कुछ रास्ते में मिला तो ठीक वरना छुट्टी।